लबैक वालों को कोई कमजोर न समझे, दाएं से बाएं तक हमारा एजेंडा इस्लामी और हमारा बयानिया भी इस्लामी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि कई सालों से इन चोरों को वोट दिया, कभी कुछ नहीं संवरा न आगे संवरेगा। उन्होंने कहा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ खड़ा होगा उसकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में भी सुरखरू होगा। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम सियासत को वक्ती फायदे के लिए नहीं बल्कि सियासत को इबादत समझकर करते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। हथकड़ियां लग जाएं तब भी अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।